नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। किराना मामले पर मेनका गांधी ने कहा, एक दिन सब छोड़ना चाहेंगे यूपी। उत्तर प्रदेश के शामली जिला के किराना में हिंदुओं के पलायन के मामले पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ऐसे हालात रहे तो एक वक्त आएगा जब यूपी से हर कोई घर छोड़कर जाना चाहेगा। आंवला से सांसद और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने राज्य सरकार पर हमला किया और कहा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सभी लोग यूपी छोड़ना चाहेंगे। उन्होंने कहा, मैं सांसद हूं और मुझे दिन में 10 या 15 फोन आते हैं। कोई कहता है मेरी बेटी का अपहरण हो गया है, कोई कहता है गाय कटने जा रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। गौरतलब है कि मुस्लिम बहुल कैराना में 349 हिंदू परिवारों के पलायन करने के बाद भाजपा ने इसके लिए उच्च स्तरीय जांच दल गठित कर दिया है जो 16 जून को कैराना जाएगा। ओरलैंडो गोलीबारी के आरोपी उमर मतीन की पूर्व पत्नी ने किए सनसनीखेज खुलासे। फ्लोरिडा के ओरलैंडो स्थित गे क्लब में 50 लोगों को गोलियों से भून देने वाला 29 साल का हमलावर उमर मतीन को आईएसआईएस की न्यूज पोस्ट करने वाले एक ट्विटर अकाउंट पर आईएसआईएस का समर्थक बताया जा रहा है। अफगानिस्तान मूल के अमेरिकी नागरिक मतीन का नाम वर्ष 2013 और 14 में अमेरिकी इन्वेस्टिगेटर्स की लिस्ट में आया था। न्यूयॉर्क में 1986 में पैदा हुआ मतीन विश्व की सबसे बड़ी कंपनी G4S में काम करता था। मतीन का 3 साल का बेटा है और उसकी पत्नी सितोरा अली शेरजोदा यूसुफी उज्बेकिस्तान मूल की हैं। उसकी पूर्व पत्नी ने मतीन को लेकर कई खुलासे किए हैं। दोनों की शादी मार्च 2009 में हुई थी। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी पत्नी ने मतीन के बारे में कहा है कि वो हिंसक और मानसिक रूप से अस्थिर था। वो शादी के बाद मेरे साथ मारपीट भी करता था। वो मुझे घर में बंद करके रखता था और मेरे घर के लोगों से बातचीत नहीं करने देता था। हम 8 साल पहले ऑनलाइन मिले थे और उसके बाद मैं उससे मिलने फ्लोरिडा आ गई। शुरू में सब ठीक था लेकिन बाद में वो गाली गलौज करने लगा, घर आता था और छोटे छोटे बहाने बनाकर अचानक मुझे पीटना शुरू कर देता था। उनका वैवाहिक जीवन सिर्फ 4 महीने ही चला जिस दौरान उसे बार बार मतीन के गुस्से का शिकार होना पड़ा। उन्होंने कहा, परिवार के सदस्यों की मदद से मैं वहां से निकल पाई और बाद में हमारा तलाक हो गया। एनएसजी मामले पर चीन को उसी की भाषा में समझाने में जुट गए पीएम मोदी। किया रूस को फोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब चीन को उसी भाषा में समझाने की पहल शुरू कर दी है। मामला है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में एंट्री का। चीन ये चाहता है कि भारत की एनएसजी में एंट्री न हो, इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी अब सख्त हो गए हैं। उन्होंने इस बाबत रूस से मदद मांगी है। बाकायदा प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और उनसे कहा कि वो भारत का एनएसजी ग्रुप में एंट्री का समर्थन करता रहे। रूस की तरफ से जारी किए बयान में बताया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शनिवार को फोन आया था। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए व्यापक सहयोग पर बात की। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी भी रही। मोदी और पुतिन के बीच जल्द ही मुलाकात होने की संभावना भी जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी एनएसजी पर समर्थन पाने में जुटे हुए हैं और हाल ही में उन्होंने 5 देशों के दौरे के बाद एनएसजी के मुद्दे पर भारत के लिए समर्थन जुटाने में कामयाबी हासिल की है। अमेरिका और मैक्सिको ने भारत का एनएसजी पर खुलकर समर्थन किया है लेकिन चीन और पाकिस्तान इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।